हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, 9 जुलाई एसएससी सीएचएसएल का ऑल शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फ्रेंड्स, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस में लेके आया बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल क्वेश्चन। इसके अलावा बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आज के एग्जाम में आया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करिएगा, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और मेहनत जो किया हूँ उसको प्रतिभा देने के लिए एक फ्रेंड्स एक शेयर करना आपको बनता जरूर है। तो फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि आईपीएल 2019। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूं मैं आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2019 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई, फोर्थ टाइटल मुंबई ने जीता है अपना चौथा टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स, रक्त थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में ये सहायक होता है, और इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो फाइलो क्विनोन और मेना क्विनोन, ठीक है, ये एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल में घुलनशील कौन सा है, कौन से से विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं? विटामिन बी और सी जो आपके जल में घुलनशील पदार्थ है। गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया को ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट ने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, संविधान में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15/4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु रामदास जी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाए देखिए क्वेश्चन क्या है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजा राजसांसी एयरपोर्ट कहां पर है? तो अमृतसर पंजाब में है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी ऐसी खाड़ी है जो इनको आपस में जोड़ती है या अलग करती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? आंसर इसमें हो जाएगा आपका मेलानिन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रक्त उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो रक्तचाप होता है, हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है वर्ष में? तो 17 मई को हर वर्ष विश्व रक्त उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। हम्पी कोनेरो किस खेल से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं, याद रहे फ्रेंड्स कि हम्पी कोनेरो इसी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक के लेखक कौन है? तो नोबेल बाय रस्किन बॉन्ड, किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स CDI 2018 में भारत की क्या रैंक रही है? तो 113वां रैंक रहा है भारत का चाइल्ड, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स में CDI में। भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत, ये जो है ना भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। देखिए तीन नाम है इसमें, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IPO का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें जो है ना पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि उनके अपने मतलब स्वायत्तता के अकॉर्डिंग ही अपने मतलब सामान खरीदें या जो भी है वो अपने अपने जो सामान के अकॉर्डिंग, अपने बातों के अकॉर्डिंग ही वो अपना कार्य कर सकते हैं। IPO का फुल फॉर्म होता है वही, उसके अकॉर्डिंग वही बात होती है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की उपाधि दी है? तो शाहरुख खान को ऑनरेरी डॉक्टरेट इन फिलैंथ्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 में प्रथम किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैरी क्यूरी को मिला है, ठीक है, भौतिकी में, याद रहे फ्रेंड्स 1903 में प्रथम महिला को पूछा गया है, कौन प्रथम महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैरी क्यूरी को। सबसे ज्यादा आबादी किस जिले की है? तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आबादी इसी जिले की है। कंप्यूटर में एक साथ अनेक प्रोग्राम रन करने को क्या कहा जाता है? तो आप उसको मल्टीटास्किंग बोल सकते हो, या ये कंप्यूटर में ही नहीं सिर्फ मोबाइल में भी होता है, या टैबलेट में होता है, आईपैड में भी होता है, जिसमें आपको बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हो। जैसे कि हम मोबाइल में ही बहुत सारे काम प्रोग्राम करते हैं या बहुत सारे एप्लीकेशन खोल के रखे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है मतलब एक ही टाइम में आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो, तो उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए फटाफट देखते हैं।
अडीस अबाबा सिटी कप किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स तो अडीस अबाबा सिटी कप जो है ना फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने गुजरात के 16 शासक जो थे, जो भीम द्वितीय, इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर पट्टी कहते हैं, और उसकी औसतन गहराई होती है 24 किलोमीटर, ठीक है ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में पेरिस में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, नाम याद रहने से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना क्लू मिलता है कि किस प्रकार से आपका आंसर हो सकता है। सबसे अधिक कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद का रहा है सबसे ज्यादा कार्यकाल अभी, ठीक है ना। अभी के वर्तमान के राष्ट्रपति देखिए रामनाथ कोविंद जी हैं, और सबसे अधिक कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है 12 वर्ष 107 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जीजिया किस राज्य का नृत्य है? तो जीजिया आपका बिहार का लोक नृत्य है। मिहिर सैन किस खेल से संबंध रखते हैं? तो मिहिर सैन देखिए पहले जो है ना स्विमर थे, जो जिन्होंने अंग्रेजी पत्र में अपना नाम रोशन किया था। मिहिर सैन किस खेल से संबंधित तो स्विमर है ये। किस ग्रंथि के कारण आंख में आंसू वाष्पित नहीं होते हैं, यानी नेत्र को शुष्क बनाने में रोकने बनाने से रोकने में सहायक ग्रंथि कौन सी है? तो निबोमियन ग्लैंड, ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा अटका नाम है, इसको याद रखिएगा। पौधों के कोमल भागों में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स पौधों के कोमल भागों में पैरेन्काइमा जो है ना ऊतक मौजूद होता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली रिवर है, जो 335 किलोमीटर लंबी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान के? तो नगेंद्र नाथ सिन्हा, याद रहे फ्रेंड्स अध्यक्षों के नाम याद आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के जो है ना अभी हाल ही में बहुत सारे अथॉरिटीज बनी हैं, नए बने, उनके अध्यक्ष के नाम पूछे जा रहे हैं, तो उनको याद रखिएगा। आप करंट पूछिए, करंट पढ़ते रहिए, करंट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो मैंने करंट की कल एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे ने उसको देखा भी है, तो याद रखिएगा, देखना जरूरी है और आपको शेयर करना जरूरी है। IRDA का चेयरमैन पूछा गया था कि कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंतिया, याद रहे इनका नाम है। मुगल गार्डन किसने बनवाया? तो एडविन लैंडसियर लुटियंस ने बनवाया है अपने कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह, 1946 से 1952 में स्वतंत्र भारत के ये पहले रक्षा मंत्री बने हैं। और अभी के रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है ना, अभी के राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? तो टिमोथी जॉन बर्नर्स ली, याद रहे फ्रेंड्स इनका नाम। रेडियो एक्टिविटी में कि ऐसा यूनिट क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है तो बैक्वरल है, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल में मिल रहे हैं, और वो भी रियल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के रख दिया क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को, और शेयर करने की कोशिश करिएगा। महाबलेश्वर से कौन सी नदी मिलती है? ये क्वेश्चन एक आज का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। 1979 का वर्ल्ड कप किसने जीता है, ठीक है। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी प्रो कबड्डी प्रीमियर टीम है, प्रीमियर लीग की टीम है, ऐसे कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेसिडेंट इलेक्शन में संबंधित कौन सा अनुच्छेद मिलता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में संबंधित कौन सा अनुच्छेद इसमें मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो आईडिया पूछा गया था ब्लैक हॉर्स का, समवन हु वाज प्रीवियसली अननोन बट सडनली इमर्जेस इनटू प्रोमिनेंस, समवन हु हेल कीप्स देयर स्किल्स एंड आइडियाज सीक्रेट एंड सरप्राइज अदर्स बाय डूइंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो ये एक आइडिया पूछा गया था इसका, ब्लैक हॉर्स का, और इसका आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर तो बलदेव सिंह हो जाएंगे। बुक पूछा गया था सोशल हार्मनी का, बाय नरेंद्र मोदी द्वारा यह लिखा गया है सोशल हार्मनी का। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, तो महाबली गंगाई रिवर, ठीक है। व्हेन पावर शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, तो ये 1858 में हुआ था। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट इंडियन एथलीट टू एवर विन अ मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स, तो अंजू बॉबी जॉर्ज।
ब्रॉन्ज इन फॉर इंडिया इन इन लॉन्ग जंप इवेंट विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड मुगलों का बगीचा। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्रेंड्स के विच सिटी कॉल्ड मतलब मुगलों का बगीचा। WWW इन्वेंटेड टिम बर्नर्स-ली अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क, इसको बोलते हैं फायरवॉल। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मतलब इसरो न्यू कमर्शियल आर्म हेडक्वार्टर, आंसर होगा आपका बैंगलोर। जेमिन टर्म यूज इन विच स्पोर्ट, तो टेनिस हो जाएगा। और टैसिट जो इसका एंटोनिम पूछा गया था तो इसका हो जाएगा आंसर एक्सप्लिसिट। तो ये फ्रेंड्स इसका पूरा पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको बस इसको शेयर करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।